हाय डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव के बारे में। जैसे गूगल का गूगल ड्राइव होता है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है। ये बहुत अच्छा स्टोरेज सर्वर है, क्लाउड सर्वर है, जिसमें हम अपना डाटा है, फोटोज, आपके पिक्चर्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका जो यूजफुल डाटा है वो आप वन ड्राइव के अंदर सिक्योरली सेव रख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा है ये टूल। और आप इस ये मैं आपको सिखा रहा हूँ वेब पे, और आने आने वाले वीडियो में मैं आपको ऑफलाइन भी इसका एक डेमो दूंगा कि इसको ऑफलाइन भी हम कैसे यूज कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर एक शॉर्टकट बना के, जिससे फाइलें क्या है आपस में हम सिंक करा सकते हैं दो सिस्टम या थ्री सिस्टम या फोर सिस्टम के अंदर। इसमें भी आप ऑनलाइन में भी फाइलें आपकी सिंक रहेगी आपके लैपटॉप, पीसी और मोबाइल के अंदर, जब भी आउटलुक आपके मोबाइल और के अंदर अकाउंट लॉगिन रहेगा। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे यूज करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन करना है, और हम आउटलुक से भी इसको ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे मेनू बार से आप ओपन इसको कर सकते हो। ठीक है, ओपन करने के यहाँ पे देखिए आप वन ड्राइव आपको मिल जाएगा। वन ड्राइव को आपको ओपन करना है यहाँ से। वन ड्राइव ऐसे आपको कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखाई देगा। ये देखिए ओपन हो रहा है। ये देखिए ये इस तरह से दिखाएगा आपको। ये देखिए आप इसका प्रीमियम अकाउंट भी ले सकते हैं, 1 TB तक भी ले सकते हैं इसको, 5.99 यूरो मंथ के अंदर। इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा। यहाँ से आप एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से भी आप एक्सेल वर्ड वगैरह ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे बना दिया प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना देता हूँ मेरे को, जैसे फाइल के नाम से ये मैंने क्रिएट कर दिया टेक्स्ट फाइल यहाँ पे। और मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, जैसे कुछ भी टाइप कर देता हूँ, और इसको सेव कराया मैंने। सेव करने के बाद में मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ से देखिए एक मेन फीचर शेयर ए लिंक, तो आप ये फाइल एनीवन पब्लिकली, बस आपको लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप, ईमेल किसी को भी देना चाहते हैं, बस आपको शेयर करना है, वो फाइल शेयर हो जाएगी, वो फाइल ओपन कर सकता है। अगर फाइल बड़ी होती है, मेल के अंदर 25 से 30 MB से ज़्यादा कोई फाइल जाती नहीं है, आप इसके थ्रू ज़्यादा फाइल है, 400 MB, 500 MB, 600 MB, 1 GB जो भी है आप शेयर कर सकते हो। तो ईजिली आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह किसी को देना चाहते हो तो इसके थ्रू शेयर कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको देखिए शेयर के अंदर दिखेगा आपने कौन सी फाइल शेयर कर रखी है, वह आपको यहाँ पे दिखेगा। सिंपल फीचर है, सिंपल इंटरफेस है, तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक चीज और, आपको यहाँ पे देखिए 5 GB तक का स्टोरेज मिलता है। ठीक है,